हेलो मॉर्टल्स, तो रिसेंटली वीवो ने अपने S17 सीरीज को ऑफिशियली चाइना में लॉन्च किया था और इस सीरीज का वीवो S17 प्रो इंडिया में रिब्रांडेड होके वीवो V29 प्रो के नाम से आएगा एज अ सक्सेसर ऑफ वीवो V27 प्रो। तो एक एक करके इसके स्पेसिफिकेशंस, अनबॉक्सिंग, इंडियन प्राइस एंड लॉन्च डेट, सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले देख लेते हैं कि इनबॉक्स एसेसरीज आपको क्या क्या मिलेगा। एक 80 वॉट का पावर अडेप्टर टाइप A2C डेटा केबल के साथ में एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक केस, सिम इजेक्टर पिन और कुछ डॉक्यूमेंटेशन हैं। इंडियन वेरिएंट में भी आपको यही एसेसरीज मिलेंगे, बट बॉक्स कुछ इस टाइप का होगा। पहली नजर में S17 Pro आपको इसके प्रीवियस वर्जन S16 Pro aka Vivo V27 Pro की तरह लग सकता है, क्योंकि मैक्सिमम डिजाइन, पोर्ट्स एंड बटन्स की प्लेसमेंट सब सेम ही है। बस रेयर कैमरा मॉड्यूल में थोड़े चेंजेस हैं और इस बार आपको और भी बड़ा ऑरा लाइट मिलेगा जिसे आप कंट्रोल भी कर सकते हो। तीन कलर्स में ये फोन लॉन्च हुआ है, माउंटेन सी ग्रीन कलर, आइस वाइट जेड एंड ब्लैक कलर। माउंटेन सी ग्रीन वेरिएंट के बैक पे आपको ब्यूटीफुल सा स्पार्कलिंग माउंटेन एंड सी पैटर्न देखने को मिलता है। व्हाइट एंड ब्लैक वेरिएंट पे ऐसे मटेरियल्स का यूज करा गया है जिसपे की लेजर इनग्रेविंग की मदद से आप कुछ लिख सकते हो या फिर ड्रॉ कर सकते हो। बट इंडिया में हो सकता है कि ये कलर चेंजिंग बैक के साथ ही आए। फ्रेम एल्यूमिनियम का है, इंडियन वेरिएंट में शायद प्लास्टिक का होगा। बैक पे ग्लास मिलता है, थिकनेस 7.46 mm है एंड वेट 188 ग्राम्स। फ्रंट में आपको एक ब्यूटीफुल सा कर्व डिस्प्ले मिलेगा शॉर्ट सेंसेशन ग्लास प्रोटेक्शन के साथ में। सेंटर पंच होल डिजाइन है, 60 डिग्रीज स्क्रीन कर्वेचर देखने को मिलता है। ऊपर के वेजर्स और चीन बहुत ही पतले हैं, 93.53% इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। सो फ्रंट एंड बैक दोनों साइड से फोन प्रीमियम है। डिस्प्ले 6.78 इंचेस का मिलेगा, ये 10-bit AMOLED पैनल है 1.5K रिजोल्यूशन वाला, जो कि 1080p से बेटर होता है, तो कंटेंट वाचिंग एक्सपीरियंस आपका काफी जबरदस्त होने वाला है। साथ में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एंड 300 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग रेट भी है। 452 ppi की पिक्सल डेंसिटी मिलेगी, 1300 nits पीक ब्राइटनेस है एंड 100% P3 कलर गैमेट और HDR 10+ का सर्टिफिकेशन भी मिल जाएगा। डायमंड लाइक पिक्सल अरेंजमेंट, 360 डिग्री डिमिंग, 2160 हर्ट्ज PWM डिमिंग एंड आई प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। ओवरऑल डिस्प्ले बहुत अच्छा है, आपको कंटेंट वॉचिंग एंड गेमिंग दोनों में मजा आएगा। डिस्प्ले तो बहुत अच्छा है, पर अफसोस की यही बात इसके स्पीकर्स के लिए नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि पिछली बार की तरह इस बार भी सिंगल स्पीकर ही है। वैसे तो सिंगल स्पीकर के हिसाब से क्वालिटी अच्छा है, बट इस प्राइस पे वीवो को डुअल स्टीरियो स्पीकर्स देना चाहिए था। Vivo V29 Pro MediaTek Dimensity 8200 प्रोसेसर के साथ आएगा, पेयर्ड विथ Mali G610 MC6 GPU। सेम प्रोसेसर इसके प्रीवियस जनरेशन V27 Pro में भी है। 3.1 GHz मैक्स लॉक स्पीड मिलता है, 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बेस्ड है, तो पावर एफिशिएंट है। इसे आप Snapdragon 888 के कंपेरेबल समझ सकते हो। 8GB एंड 12GB ऑफ रैम ऑप्शन मिलेगा, विच इज LPDDR5 टाइप, और 256GB एंड 512GB स्टोरेज ऑप्शन है UFS 3.1 टाइप। परफॉर्मेंस तो अच्छा है, बट एज अ सक्सेसर परफॉर्मेंस में प्रीवियस जनरेशन के मुकाबले कोई अपग्रेड नहीं है। S17 Pro Origin OS 3 पे रन करता है बेस्ड ऑन Android 13, बट ग्लोबली जो Vivo V29 Pro आएगा वो FunTouch OS 13 पे रन करेगा। नाउ कैमराज की बात कर लेते हैं, तो रेयर में तीन कैमराज का सेटअप मिलेगा। प्राइमरी 50 मेगापिक्सल्स का सोनी IMX766V सेंसर विथ YES सपोर्ट, ये कितना अच्छा सेंसर है वो हम सब ने V27 Pro में देख रखा है। सेकेंडरी 8 मेगापिक्सल सोनी IMX355 अल्ट्रा वाइड लेंस, जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए काफी अच्छा सेंसर है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 12 मेगापिक्सल 2x टेलीफोटो जूम लेंस, जो कि सोनी IMX663 सेंसर है। तो यार वीवो ने ये अच्छा काम किया है कि 2 मेगापिक्सल के यूजलेस मैक्रो कैमरा को हटा के एक टेलीफोटो लेंस दे दिया। सेल्फी कैमरा 50 मेगापिक्सल्स का मिलेगा, इसमें सैमसंग Gen 1 सेंसर यूज करा गया है। ये सेंसर भी जबरदस्त है, काफी फोन्स में इसे एज अ मेन सेंसर यूज किया जाता है, तो जिस प्राइस पे ये आता है उसके हिसाब से तो ये वन ऑफ द बेस्ट सेल्फी कैमरा फोन है। और वीवो ने इस बार ऑरा लाइट के साइज को भी इंक्रीज कर दिया है, और साथ ही आप इसे स्टॉक कैमरा ऐप से मैनुअली कंट्रोल भी कर सकते हो, और स्टॉक कैमरा ऐप में आपको और भी तगड़े तगड़े फीचर्स मिल जाएंगे। रियर एंड फ्रंट कैमरा दोनों 4K रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है एट 30 fps। ओवरऑल कैमरा सेटअप बहुत अच्छा है, आपको जेन्युइनली इससे फोटोग्राफी करने में मजा आएगा। पोर्ट्रेट इमेजेस एंड लो लाइट इमेजेस की क्वालिटी भी काफी अच्छी है। 4600 mAh की बैटरी मिलेगी विथ 80 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, कोई वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है। सिक्योरिटी एंड सेंसर्स की बात करें तो ऑप्टिकल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड फेस रिकॉग्नाइजेशन दोनों मिल जाएगा, बाकी इंपॉर्टेंट सभी सेंसर्स प्रेजेंट है। कनेक्टिविटी फीचर्स में मिलेगा 2G, 3G, 4G एंड 5G नेटवर्क सपोर्ट, Wi-Fi 6, 2x2 MIMO, ब्लूटूथ वर्जन 5.3 एंड NFC का सपोर्ट भी मिल जाएगा। डुअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट है, SD कार्ड का यूज नहीं कर पाओगे और 3.5 mm जैक भी नहीं मिलेगा।
नाउ इसके लॉन्च एंड प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। तो वीवो S17 Pro का बेस वेरिएंट 8GB प्लस 256GB अराउंड 36,000 रुपीज में लॉन्च हुआ है। ये कन्वर्टेड प्राइस है। इंडिया में इसका बेस वेरिएंट 40,000 रुपीज के अराउंड देखने को मिलेगा। और रही बात इसके इंडिया में लॉन्च को लेकर, तो इसे लॉन्च होने में अभी थोड़ा टाइम है क्योंकि V27 सीरीज को इंडिया में लॉन्च हुए अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। V29 सीरीज मोस्ट प्रोबेबली हमें अगस्त में इंडिया में देखने को मिल सकता है। पहले V29 और V29 प्रो लॉन्च होगा और सब कुछ ठीक रहा तो V29 EV लॉन्च हो जाएगा। और अगर बीच में इसके लॉन्च के रिलेटेड कोई न्यूज आता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो फ्यूचर अपडेट्स के लिए। Vivo S17 Pro aka Vivo V29 Pro नो डाउट एक काफी अच्छा और बैलेंस्ड स्मार्टफोन है अपने प्राइस पे, बट एज अ सक्सेसर इसमें प्रीवियस जनरेशन के मुकाबले कोई मेजर अपग्रेड नहीं करा गया है। परफॉर्मेंस तो बिल्कुल सेम है एंड बाकी के डिपार्टमेंट में थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, जैसे कि डिस्प्ले रेजोल्यूशन को 1080p से 1.5K कर दिया गया है। रियर कैमरा में 2 MP मैक्रो को हटा के एक 12 MP टेलीफोटो लेंस को एड करा गया है। बैटरी कैपेसिटी सेम है बट चार्जिंग स्पीड को 66 W से इंक्रीज करके 80 W कर दिया है। तो ये था स्पेसिफिकेशंस Vivo V29 Pro का। नाउ आपका इस फोन को लेकर क्या थॉट्स और ओपिनियन है आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पीस।